और दिवाली के दिन दिल्ली में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आतिशबाजी हुई, वहीं पराली जलाने की वजह से भी हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। घने स्मॉग के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में दीपावली के दिन प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी हुई। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से हालात बिगड़े हुए हैं। पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण में 32% हिस्सेदारी पराली जलाने की है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली के त्योहार की रात जमकर आतिशबाजी की गई और इसका सीधा असर हवा पर पड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली एनसीआर के लोगों ने दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की है और उसका सीधा असर यहां की हवा और उसकी गुणवत्ता पर पड़ा है। आप देख सकते हैं सुबह की ये तस्वीर नोएडा की है। आसमान में धुंध और धुएं की मोटी चादर देखी जा सकती है। ये कोहरा, ये धुआं सिर्फ प्रदूषण का है। लगातार कोशिश की जा रही थी सरकार की ओर से, एनजीटी की ओर से, कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि पहले ही अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।